एक शिक्षक के रूप में भी सम्मानित किया गया है, आप आयोसी में केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका भी हैं, तो आइए आप अपनी कविता। हर वर्ष विभिन्न कार्यालयों विभागों में हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है और मैं भी हर वर्ष इन कार्यक्रमों में शामिल होती हूँ और इन कार्यक्रमों में शामिल होकर मैंने जो अनुभव किए हैं उनको मैं एक हास्य व्यंग कविता के रूप में लेकर आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। तो प्रस्तुत है ये कविता। इस वर्ष भी हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, इस वर्ष भी हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, हिंदी में कार्य करने का संकल्प दोहरा रहे हैं। हिंदी दिवस की सुबह सबको हिंदी याद आई, हिंदी दिवस की सुबह सबको हिंदी याद आई, नेताजी ने भी आज देखो क्या स्पीच है बनाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का ये ब्यूटीफुल दिन है आया, हमने अपनी हिंदी लैंग्वेज को इंडिया की मदर टंग बनाया। इंडिया हमारी कंट्री है और हम हैं इंडिया के सिटीजन, इसलिए हिंदी बोलना हमारी ड्यूटी है। पर बिचारी हिंदी की तो किस्मत ही फूटी है, आज की ये यंग जनरेशन व्हेनेवर माउथ खोलती है ओनली एंड ओनली इंग्लिश ही बोलती है, पर्सन की एबिलिटी को इंग्लिश में ही तौलती है। तब हमारा सर शेम से झुक जाता है एंड हार्ट डीप वेदना से भर जाता है। ये सब वेरी रॉन्ग है, इनफैक्ट देशद्रोह है, ढोंग है। हमें अपनी डेली लाइफ में हिंदी लैंग्वेज को लाना होगा, इसे वर्ल्ड वाइड फैलाना होगा, तभी हमारी भारत माता के ड्रीम्स होंगे सच। थैंक यू ऑल वेरी वेरी मच। तो ये था नेताजी का उद्घाटन भाषण और नेताजी के उद्घाटन भाषण के बाद हिंदी सप्ताह जोरों से मनाया गया, हिंदी के उपयोग पर बहस छिड़वाया गया, कई तरह की प्रतियोगिताएं कराई गई, अधिकारियों के आदेश पर सब कुछ हिंदी में लिखवाया गया, पूरे सप्ताह का कार्यक्रम हिंदी में छपवाया गया, सप्ताह अंत में पुरस्कार वितरण भी करवाया गया, विजेता ने अतिथि से हाथ मिलाया, खुलकर मुस्कुराया। अतिथि बोले, वेल डन डियर, ट्राई टू इम्प्रूव इट। विजेता बोला, यस सर, आई विल राइट इन हिंदी, आई विल टाइप इन हिंदी, आई विल स्पीक इन हिंदी, लेट द नेक्स्ट ईयर कम, आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव इन हिंदी। हम कब तक यूं हिंदी दिवस मनाते रह जाएंगे, हिंदी में कार्य करने का सिर्फ संकल्प दोहराते रह जाएंगे। संस्कृत की पुत्री है हिंदी, ब्रज अवधि की जननी हिंदी, तमिल तेलुगु मलयालम की सगी बहन सी लगती हिंदी, अंग्रेजी से भी इसका कोई बैर नहीं है, उसको भी अपनेपन से लुभाती है ये हिंदी। यूं तो देश में कई भाषाएं और हैं, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी। हिंदी में काम करेंगे पहले मन में संकल्प करें, संकोच न मन में अल्प करें, निर्भय होकर आरंभ करें। पहले यदि कुछ मुश्किल होगी धीरे धीरे मिट जाएगी, अभ्यास निरंतर करने से मजबूत पकड़ हो जाएगी। हिंदी दिवस मनाने वालों आज एक संकल्प उठाओ, अंग्रेजी भले ही सीखो पर अपनी भाषा को मत ठुकराओ, उसे यूं अपरिचित न बनाओ। हिंदी दिवस मनाने से हमें कोई एतराज नहीं है, पर हिंदी दिवस की मोहताज नहीं है। आओ आओ सुन